भाई साहब ये देखिए, आज मैं आपको दिखाता हूँ बॉर्डर के जो नज़दीक वाला मेरा गांव है वहाँ पे उसकी रोड दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या शानदार रोड बनी हुई है, और इससे सड़कें दिखा रहा हूँ कि कैसी है। ये देखिए रोड, देखिए बॉर्डर के थोड़ा सा पास में खेतों के खेत की हुई है, और इधर देखिए ये पास थोड़ा सा जो पास में दिख रही है ये है यहाँ के पास में, और ये रोड है ये एकदम बढ़िया मस्त बनी हुई रोड है। और इधर मैं आपको दिखाऊँ तो आगे कुछ छोटे छोटे बने हुए हैं आगे। हमारी जो आर्मी है, जो जब पहले पाकिस्तान की लड़ाई वगैरह हुई थी तो उस टाइम यहाँ पे फौजी आए थे, उन्होंने यहाँ पे बंकर वगैरह बनाए और रहने के लिए, जो कि अपने लोगों को सेव करने के लिए आए यहाँ पे, उनको बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ इधर कुछ ऐसा हुआ नहीं था ताकि लोगों की सेवा कर सकें या फौजी, लेकिन ये बहुत दूर है बॉर्डर से, बहुत ज़्यादा दूर है। तो फिर भी लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो उनके लिए ये सुविधा रहती है। वैसे उधर जाने की परमिशन लेनी पड़ती है अपने को बॉर्डर के पास, या इधर जो नहर का एरिया दिख रहा है ये देखिए कितना शानदार नज़ारा व्यू है। पर आज तो आसमान भी बहुत अच्छा है, तो मतलब गांव यहाँ पे रहना कुछ लोगों को लगता है कि सेव नहीं है बॉर्डर के पास, लेकिन बहुत सेव है क्योंकि भारत की जो आर्मी है वो इतनी मजबूत है कि लोगों को ये एहसास नहीं होने देती कि हम बॉर्डर पर रह रहे हैं, क्योंकि वो इतना सेव करते हैं, सब कुछ करते हैं, सहयोग करते हैं। वैसे उधर दूर रहती है, हमारे नज़दीक नहीं है, तो फिर भी देखिए नहर है पास पास में, नहर जा रही है, नहर के एकदम पास में बंकर बने हुए हैं। देखिए पुराना है, काफ़ी बहुत ज़्यादा पुराना है, करीब ये बने होंगे 1995 के आसपास में बंकर की पेड़ भी लगे हुए हैं। खाली है अभी, पानी वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा ये देखिए बंकर, ये बंकर बना हुआ है, लेकिन हमें उधर हम आगे की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि उधर आगे परमिशन नहीं होती है, यानी कि ये नहर बनी हुई है। देखिए